क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे। वो महात्मा गांधी का आदर जरूर करता है, लेकिन पूछता छत्रपति शिवाजी महाराज को है। बाप 5 सेकंड में सिंघम अगेन के ट्रेलर और इसके साथ साथ इस मूवी को रिव्यू एंड डिफाइन करो। बड़े मियां छोटे मियां मूवी देखी है आपने, देखी होगी, लिख के ले लो 101% सेम एक्शन मिलने वाला है इस मूवी में भी। दूसरा, मूवी तो हमने देख ली पूरे 5 मिनट में, यानी 4.5 मिनट में, सॉरी ट्रेलर हमने देख लिया पूरे 4.5 या फिर 5 मिनट, वह लंबा ट्रेलर है, सब कुछ जिन्होंने दिखा दिया, बस इतनी सी बात है। हाँ, आगे बढ़ते, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बंदा होगा जिसका, चलो लो आईक्यू लेवल भी ले लेते हैं, उसने पूरी स्टोरी इजली स्कैन कर ली होगी कि बाबा आखिर मूवी में क्या क्या मिलने वाला है। अब मैं एक तरीका बताता हूँ आप लोगों को इस डिजास्टर से बचने के लिए और अपने पैसे बचाने के लिए भी। जिसको अभी भी ट्रेलर समझ में नहीं आया, वो जाओ दो बार देखो, पूरी स्टोरी समझ में आएगी, आ गई होगी। तो स्टोरी समझ गए, स्टोरी समझ गए, अब बड़ी मियाँ छोटी मियाँ मूवी देख ली, देख ली, उसका एक एक एक्शन फॉर्मेशन ले लो, ले लिया, कहीं और मत ले लो, और स्टोरी में पिरो लो, पिरो दिया कि जब टाइगर आएगा तो ऐसा होने वाला है, रणवीर आएगा तो ऐसा होने, सॉरी यहाँ पर सूर्यवंशी मूवी को भी ऐड कर लेते हैं, उसके एक्शन को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। हाँ, तो कहाँ थे, रणवीर आएगा तो ऐसा होगा, अक्षय पाजी आएंगे तो ऐसा ऐसा होगा, अजय देवगन पाजी आएंगे तो वही बातों से और डायलॉग बाजी से मैया पलोत कर देंगे विलेंस की, तो बस ये तुम्हारी मूवी हो गई कंप्लीट। और ये इनका ट्रेलर हो गया बाबा रिव्यू। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतने बड़े बड़े स्टार हैं इसमें, ह्यूज फैन फॉलोइंग है जिनकी, इस ट्रेलर का मुझे एक अच्छा पार्ट नहीं मिला कि मैं इस ट्रेलर की तारीफ कर दूं जरा सी भी। खैर, कोई लॉयल फैन होगा जो डेफिनेटली मुझे गाली देगा पहले, दे लेना, कोई दिक्कत नहीं है बाबा, लेकिन मुझे जरूर बता के जाना इसमें अच्छा पार्ट क्या है आखिर। हाँ, रामायण का एंगल छोड़ देना, वो तो बेस्ट है, श्री राम जी दिल में बसते हैं और इसके लिए जय श्री राम। दूसरी तरफ बाबा, आप समझ रहे हो रोहित शेट्टी का फेलियर उन्हें किस मोड़ पर ले आया है कि रामायण का कनेक्शन सेट करना पड़ रहा है, ताकि चलो सिंपथी बेस पर ही अपना काम निखारा जाए। रोहित बाबा, आप किस मोड़ पर आ गए हो, कभी गोलमाल, चेन्नई एक्सप्रेस एंड सिंघम फर्स्ट जैसी मूवी दी है आपने, और मतलब कुछ नया ट्राई करने का मन नहीं है क्या आपका, जो बार बार वही सारी चीजें नाम बदल बदल कर रिपीट मोड पर दिखाए ही जा रहे हो हमें। बाबा, चेन्नई एक्सप्रेस मेरी बेस्ट एवर मूवी है आज तक की, मैं आज भी उस मूवी को 10 बार देखने के बावजूद एक बार फिर देख लूंगा, सारी स्टोरी एक एक सीन याद होने के बावजूद। लेकिन बाबा, सिंघम अगेन का ट्रेलर मुझे 10% भी कन्विंसिंग नहीं लगा इस मूवी पर टाइम और पैसा खर्च करने के लिए। बाबा, नया कुछ नहीं है इसमें, बस नाम बदल दिया है, बस इतना ही है, और जितने भी कैरेक्टर्स लिए गए हैं वो वैसे ही हैं जैसे हमेशा रहते हैं एज यूजुअल। रणबीर वही है, ओवर एनर्जी एज यूजुअल, अक्षय बाजी का वही हवाबाजी एंड वो रूडनेस जबरदस्ती वाला, अजय सर का सिर्फ डायलॉग बाजी वगैरह वगैरह, एंड दया भाई को तो सीआईडी से बाहर निकलने ही नहीं दे रहे हैं। दीपिका पादुकोण जैसी फाइन एक्ट्रेस को जाने क्या ही बना दिया है इन लोगों ने। लेकिन हाँ बाबा, जिनसे उम्मीद नहीं थी वो हाइप खींच गए, टाइगर श्रॉफ एंड अर्जुन कपूर, भाई अकेला बंदा अर्जुन कपूर ही अकेला बंदा भारी पड़ा है इन सब पर। सिर्फ यही ट्रेलर का बेस्ट पार्ट लगा इस मूवी का, बाकी बताया जा रहा है कि दबंग से चुलबुल पांडे जी की भी एंट्री होने वाली है, अगर है तो उसे भी दिखाई देते, काहे के लिए बचा रखा है, छोटी सी छोटी चीज तो इन्होंने दिखा डाली है हमें ट्रेलर में। चलो बाबा, देखते हैं मूवी में क्या क्या मिलने वाला है। दैट्स माय रिव्यू, बाय बाय, लाइक शेयर भी नहीं मांगूंगा आज भाई तुमसे मैं। क्या बाबा यार, इतनी बड़ी कास्ट एक बार एक साथ देखने को मिल रही थी, मुझे भी साउथ मोड में घुसा डाला साला।